फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हो चुके हैं, लेकिन महमूद जैसा कॉमेडियन आज तक देखने को नहीं मिला। आज महमूद साहब की 85वीं बर्थ एनिवर्सरी है। महमूद सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं, अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर भी थे। महमूद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म CID से की थी। फिल्मों में आने से पहले महमूद मीना कुमार के टेनिस कोच थे। टेनिस सिखाते सिखाते महमूद को मीना कुमारी की बहन मधु से प्यार हो गया और दोनों से शादी कर ली। तब तक महमूद ने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन मधु के साथ उनकी शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। महमूद डायरेक्टर PL संतोषी के ड्राइवर भी रहे थे। महमूद ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो एक नया लेवल सेट कर दिया। महमूद दिखलौते ऐसे एक्टर थे जिनके डायलॉग पूरे होने के बाद सेट पर जमकर तालियां बजा करती थी। उस जमाने में महमूद पहले ऐसे कॉमेडियन बने जिनकी तस्वीर फिल्म के पोस्टर पर हीरो के साथ रहा करती थी। फिल्म में कितना भी बड़ा हीरो क्यों न हो, दर्शक सिनेमा घरों में महमूद को देखने जाया करते थे। महमूद कभी डायलॉग बोलने से पहले रिहर्सल नहीं करते थे। लोगों की माने तो महमूद की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो जब सेट पर खड़े होते थे तो हीरो अपनी शर्ट के बटन बंद कर लिया करते थे। उस वक्त महमूद ही ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें हीरो से ज्यादा फीस मिला करती थी। इस वजह से कई हीरो उनसे चिढ़ते भी थे। महमूद की सबसे यादगार फिल्म कुंवारा बाप है। ये महमूद की असल जिंदगी पर आधारित थी। उनका बेटा मखदूम अली, जिन्हें सब प्यार से मिक्की अली बोलते थे, वो पोलियो के शिकार हो गए। महमूद ने उनके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्हें विदेश ले गए, काफी पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी मखदूम ठीक नहीं हो पाए तो उन्होंने अपना दुख अपनी इस फिल्म में दिखाया। महमूद की जिंदगी में ऐसा समय भी आया जब उन्हें बॉलीवुड की एक स्टार से प्यार हो गया था। इस एक्ट्रेस का नाम अरुणा ईरानी है। जी हाँ, अरुणा और महमूद के प्यार के किस्से मीडिया में छाए हुए थे, लेकिन अपनी जुबान से दोनों ने इस बात को कभी नहीं कबूला। लेकिन एक इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने अपने और महमूद के रिश्ते का खुलासा किया था। अरुणा ने कहा था, हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, शायद दोस्त से भी ज्यादा, इसे आप आकर्षण भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कभी शादी नहीं की, हम कभी प्यार में नहीं थे, अगर होते तो इस रिश्ते को हम जरूर आगे बढ़ाते। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो तो हमेशा रहता है, लेकिन मैं अपने पास्ट को भुला चुकी हूँ। अरुणा ने कहा, लोगों ने हमारे रिश्ते को गलत तरह से लिया, शायद इसीलिए हमारी शादी की भी अफवाह उड़ी। हमने बहुत सी फिल्में साथ में की और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी जब आकर्षण होना स्वाभाविक था, लोग बात करते रहे और हम अवॉइड करते रहे।